बल तथा गति के नियम भाग एक। इस वीडियो में हम बल यानी फोर्स के बारे में जानेंगे और संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स को भी समझेंगे। कई सदियों से लोग गति के सिद्धांत को पूरी तरह समझने में असमर्थ थे। उन्हें लगता था कि किसी वस्तु की विराम अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है, मगर गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज किया और गति को समझने का बिल्कुल नया तरीका निकाला। हमने देखा है कि किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए या किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। एक वस्तु पर लगने वाला ये प्रयास, जो इसकी गति की अवस्था या विराम अवस्था को बदल देता है, बल का एक उदाहरण है। बल वेग का परिमाण और गति की दिशा को बदल सकता है। ये एक वस्तु का आकार या आकृति भी बदल सकता है। अब हम संतुलित और असंतुलित बल के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा लो और इसे समतल क्षैतिज मेज पर रखो। इसके विपरीत सतहों पर एक एक धागा जोड़ो। अब अगर हम इसके धागे को खींचकर इस पर बल लगाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अगर हम इसके बाएं धागे को खींचकर इस पर बल लगाते हैं तो पूरा लकड़ी का टुकड़ा बाईं ओर चलने लगता है। इसी प्रकार अगर हम दाईं ओर वाले धागे को खींचकर बल लगाते हैं तो पूरा लकड़ी का टुकड़ा दाईं ओर चलने लगता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अगर हम दोनों धागों को एक साथ समान बल लगाकर खींचे तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, लकड़ी का टुकड़ा किसी ओर नहीं जाएगा। अगर इसे एक ही समय पर समान बल लगाकर विपरीत दिशाओं में खींचा जाए, परिणामी बल शून्य हो जाता है और इसलिए यह टुकड़ा नहीं खिसकता। ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। यहां विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अब क्या होगा अगर हम दोनों धागों को असमान बल से खींचे? क्या टुकड़ा अब भी स्थिर रहेगा? इस अवस्था में टुकड़ा अधिक बल लगने वाली दिशा में खिसकने लगेगा। अगर टुकड़ा बाएं धागे की अपेक्षा दाएं धागे से अधिक बल से खींचा जाए तो दाएं धागे से लगने वाला अतिरिक्त बल टुकड़े को दाईं ओर खिसकाने लगेगा। इसी प्रकार टुकड़ा बाईं ओर खिसकेगा अगर दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर के धागे में खींचने वाला बल अधिक हो। ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। यहां जैसा कि बल संतुलित नहीं है तो टुकड़ा खिसकने लगता है। अब हम सड़क पर कार को धकेलने का दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हम कार को कम बल से धक्का दे तो कार नहीं चलेगी। ऐसा हमारे धक्के के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण के कारण होता है। जैसे ही कार के पहिए खुरदरी सतह के संपर्क में आते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। यहां घर्षण बल धक्के से लगने वाले बल को संतुलित करता है और इसलिए कार नहीं चलती। कार को चलाने के लिए हमें घर्षण बल से अधिक बल लगाने की जरूरत होती है। इसका मतलब कार को चलाने के लिए हमें असंतुलित बल की जरूरत होती है। मगर कुछ लोग गलत समझते हैं कि असंतुलित बल का नियमित रूप से लगना किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखता है।
सच ये है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को नियमित रखती है अगर इस पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो और परिणामी बाहरी बल शून्य हो, जिसका मतलब है कि विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन तभी दिखाई देता है जब एक असंतुलित बल लग रहा हो। असंतुलित बल के लगने के कारण ही एक स्थिर वस्तु चलना शुरू करती है और एक गतिशील वस्तु रुकने लगती है। एक असंतुलित बल एक वस्तु की गति की दिशा या चाल को बदल सकता है। तो इस वीडियो में हमने बल यानी फोर्स के बारे में जाना और संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स को भी समझा। अगले वीडियो में हम गति के प्रथम सिद्धांत के बारे में जानेंगे।